वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष में ऐसे कई महत्वपूर्ण दिन और रात है जिनका धरती और मानव के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनमें से ही माह में पड़ने वाले दो दिन सबसे महत्वपूर्ण हैं। वह दिन है पूर्णिमा और अमावस्या के। पंचांग के अनुसार माह के 30 दिनों को चंद्रकला के आधार पर 15-15 दिन के दो पक्षों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या। इस प्रकार वर्ष में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या होती है और सभी का अलग अलग महत्व होता है। आज हम बात करेंगे अश्विन माह में पड़ने वाली पूर्णिमा के विषय में। इस दिन को शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागरी पूर्णिमा का पर्व पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी धन, खुशी और समृद्धि की देवी है और ऐसा माना जाता है कि अश्विन पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से भक्तों को प्रचुर मात्रा में धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन व्रत रखकर लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोजागरी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी जब धरती पर विचरण करती हैं, तो को जागृत शब्द का उच्चारण करती हैं। इसका अर्थ होता है कौन जाग रहा है। वो देखती हैं कि रात्रि में पृथ्वी पर कौन जाग रहा है। जो लोग माता लक्ष्मी की पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं उनके घर माँ लक्ष्मी जरूर आती हैं। कोजागरा पूजा की पूर्व संध्या को देश के कुछ क्षेत्रों में शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा पर ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। इस दिन चंद्रमा की भी विशेष पूजा की जाती है। इस तिथि पर खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। रात में खीर को आसमान के नीचे रखा जाता है। मान्यता है कि यही वो दिन है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा की तिथि से ही सर्दियों की शुरुआत भी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है और साथ ही इस दिन चंद्रमा सबसे अधिक शीतल और प्रकाशमान प्रतीत होते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष शरद पूर्णिमा की तिथि 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार को शाम 7 बजे से शुरू होकर 20 अक्टूबर 2021 बुधवार को रात्रि 8:20 पर समाप्त होगी। नारद पुराण के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन पीतल, चांदी, तांबे या सोने से बनी देवी लक्ष्मी की प्रतिमा को कपड़े से ढककर पूजा जाता है। सुबह देवी की पूजा सामान्य तरीके से करने के बाद रात में चंद्रोदय के बाद फिर से की जाती है। इस दिन रात 9 बजे के बाद चांदी के बर्तन में खीर बनाकर चांद के निकलते ही आसमान के नीचे रख देनी चाहिए। इसके पश्चात रात्रि में देवी के समक्ष घी के 100 दीपक जला दें। कुछ समय बाद चांद की रोशनी में रखी हुई खीर का देवी लक्ष्मी को भोग लगाकर उसमें से ही ब्राह्मणों को प्रसाद स्वरूप दान देना चाहिए। अगले दिन माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और व्रत का पारण करना चाहिए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।